हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है कौशल सेन। आज हम सीखने वाले हैं टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन ऑफ द आई के बारे में। टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन क्या होता है, टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सी ऐसी डिसीज़ हैं जिनको हम टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन के माध्यम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट की कंप्लेंट और पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद जब भी टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन करेंगे, सबसे पहले हम आईलिड का एग्जामिनेशन करेंगे। आईलिड में सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपनी आंखें बंद करे। अगर उसकी आंखें अच्छे से बंद हो जा रही हैं, इट्स नॉर्मल। अगर उसकी आंखें बंद नहीं हो रही हैं तो ये पेशेंट लेग ऑफ्थैल्मस के पेशेंट हो सकते हैं, जिसमें पूरी तरह से आंख बंद होने में वो पेशेंट असमर्थ रहते हैं। उसके बाद पेशेंट को आंख ओपन करने के लिए बोलेंगे। अगर आंखें पूरी तरह से ओपन हो रही हैं तब ठीक है, अगर नहीं हो रही हैं और हाफ ऑफ द कॉर्निया तक उसकी लिड आ रही है, ऐसे पेशेंट टोसिस के पेशेंट हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हम आंख बंद करके और आंख ओपन करवा के पेशेंट की टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन से देख सकते हैं। पहला लेग ऑफ्थैल्मस, दूसरा टोसिस। इसके बाद हम पेशेंट की आईलिड का एग्जामिनेशन करते समय लिड मार्जिन में ऐसे डेंड्रफ जैसा अगर कुछ दिखता है तो ऐसे पेशेंट ब्लेफराइटिस के हो सकते हैं। ब्लेफराइटिस, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, टेलेजियन, स्टाई, इतनी सारी डिसीज़ आईलिड की हम टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन से देख सकते हैं। आईलिड का एग्जामिनेशन करने के बाद हम कंजेक्टाइवा और कॉर्निया का एग्जामिनेशन करेंगे। कंजेक्टाइवा में हम टॉर्च लाइट से कंजेक्टिवाइटिस, कंजेक्टाइवल हेमरेज, PTR जिसको टेरेजियम कहते हैं, इसमें कॉर्निया में टिश्यू ग्रोथ हो जाते हैं। इन तीन डिसीज़ को, कंजेक्टाइवा की इन तीन डिसीज़ को हम इजीली टॉर्च लाइट के माध्यम से देख सकते हैं। और इसके बाद आता है कॉर्निया। कॉर्निया में ज़्यादा तो नहीं बट ओपेसिटी आप टॉर्च लाइट के माध्यम से इजीली देख सकते हैं। इसके बाद आता है प्यूपिल, प्यूपिलरी रिएक्शन। प्यूपिल का एग्जामिनेशन करते समय आपको बहुत ही ध्यान रखना है। टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट प्यूपिलरी एग्जामिनेशन है प्यूपिल का रिएक्शन। प्यूपिल का काम होता है टॉर्च लाइट जी या कोई भी लाइट होती है आँख में लाइट अमाउंट ऑफ लाइट रेस को कंट्रोल करना। जैसे हम कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत उजाला होता है तो प्यूपिल सिकुड़ जाता है, जब हम किसी अंधेरे वाली जगह में जाते हैं तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है, क्योंकि प्यूपिल का काम होता है आँख में कितनी लाइट जाना है उसके अमाउंट को कंट्रोल करना। जब कोई किसी पेशेंट का हम देखेंगे, टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन करेंगे, तो टॉर्च लाइट उसकी आँख में लगाएंगे और हटाएंगे। टॉर्च लाइट जब हम लगा रहे हैं तो पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है और जब हटा रहे हैं तो पिपिल डायलेट हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। तो ये नॉर्मल होता है। और ऐसी चीज़, अगर ऐसा कोई रिएक्शन आपको टॉर्च लाइट में देखने को नहीं मिलता, इट मीन्स कि जब आप किसी पेशेंट की आँख में टॉर्च लाइट लगा रहे हैं और हटा रहे हैं तो पिपिल कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, ऐसे पेशेंट RAPD रिलेटिव एफ्लुएंट पिपुलरी डिफेक्ट के पेशेंट हो सकते हैं। उनको रेटिना से जुड़ी कई अन्य डिसीज़ हो सकती हैं। और इस तरह पिपिल के रिएक्शन का चेकअप करने के बाद हम सेंट्रल ऑफ द पिपिल में टॉर्च लाइट को डालेंगे। टॉर्च लाइट से देखेंगे सेंट्रल ऑफ द प्यूपिल में कोई ओपेसिफिकेशन तो नहीं है, ओपेसिटी तो नहीं है। वो ओपेसिटी कैटरेक्ट की वजह से भी हो सकती है। मैच्योर और हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट हम टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन से देख सकते हैं। और बाकी जो भी जितने भी कैटरेक्ट रहते हैं उसके लिए हमको स्लिट लैम्प की ज़रूरत पड़ती है। और जो स्यूडोफेकिक पेशेंट रहते हैं उनको भी हम टॉर्च लाइट से डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसमें लेंस डला है या नहीं डला है। सो इतनी सारी चीज़ें हम टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन से देख सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करें। आई होप आपको यह वीडियो देखकर टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है, जानकारी यूज़फुल लगती है, तो इस वीडियो को आप शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।